Hello everyone, my name is Manoj Kumar. This is about me. तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी वीडियो को. जैसे कि पिछले टॉपिक हमने शुरू किया था, इसके 5 वीडियो हो चुके हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसके कई वीडियो हम लॉन्च कर चुके हैं. 5 वीडियो हमारे आ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाकर प्लीज देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो ये Part-6 है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन, यानी कि जो रिफ्ट वैलीज हैं वो कैसे बनती हैं. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं. तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे कन्वर्जेंट फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि जहाँ दो प्लेट ने कन्वर्जेंट फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज बनाती हैं वो कैसे बनाती हैं, और उनमें लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यानी कि जब प्लेटें डाइवर्ज हो रही, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं. ठीक है, तो हमें यह पता है कि जो दो प्लेटें होती हैं टेक्टोनिक प्लेटें, इनमें दूर जाने वाला मोशन या फिर पास आने वाला मोशन, यानी कि कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस क्यों होता है, वो होता है मैग्मा के कारण. यानी कि जो जैसा मैग्मा मोशन करेगा और प्लेटों को अपने साथ ले जाएगा, या फिर दूर या तो पास. ठीक है, तो जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी आई थी उसी की वजह से हमने प्लेटों के दूर जाने या पास आने की चीज को डिफाइन किया था. ठीक है, तो जो हमारी लिथोस्फीयर होती है, यानी कि धरती के सबसे ऊपर की सतह ठोस वाली, जिसमें सारा लैंड मास सेंट्रिक रहता है, और उसके नीचे क्या होती है हमारी एस्थेनोस्फीयर. ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा, और वो मैग्मा आता है ऊपर की साइड लिथोस्फीयर में, करता है क्या, दरार बनाता है और अपने साथ प्लेटों को लेके जाता है. ठीक है, इसी वजह से हमारी प्लेटें दूर जाती हैं या पास आती हैं. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें प्लीज जाके देखें. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो राइजिंग लिम्स, यानी कि राइजिंग मैग्मा होता है. ठीक है, जैसे कि ये देखते हैं, ये कोई प्लेट है और इसके नीचे हमारी एस्थेनोस्फीयर होगी जहां मैग्मा भरा हुआ है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा मैग्मा ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ टकराएगा. ठीक है, तो हो सकता है वॉल्केनो का फॉर्मेशन करे. अगर पतला एस्थेनोस्फीयर होगी, यानी कि जहाँ पर लिथोस्फीयर की चौड़ाई कम होगी वहां पे ये फाड़ के उसको वॉल्केनो बन जाएगा. लेकिन अगर इसकी मोटाई बहुत ज्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट साइड. ठीक है, और अपने साथ इस प्लेट को तोड़ के लेके जाएगा, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी. ठीक है ना, तो यानी कि जो राइजिंग लिम्स जिसे प्लूम्स कहते हैं, यानी कि राइजिंग मैग्मा को प्लूम्स बोलते हैं, यानी कि जो प्लूम्स ऊपर जाएंगे तो अपने साथ प्लेटों को दूर दूर ले जाएंगे, यानी कि पुशिंग फोर्सेस लगाएंगे और प्लेटों को दूर ले जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही नए ओशंस और नई सीज का निर्माण होता है. ठीक है, तो इसी से डाइवर्जेंट फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज बनती है. जैसे एग्जाम्पल देखें हम, तो ये हमारा अफ्रीका, तो इसके बीच में क्या ब्रेकअप हो रहा है, ये फ्यूचर का संभावित मैप है या अभी ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे हमारा सोमालिया है, सोमालिया के नीचे से यहाँ से ब्रेकअप हो रहा है लाइन से. तो ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में अफ्रीका का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट टूट के अफ्रीका से अलग हो जाएगा और उनके बीच में एक सी बन जाएगा. ये जहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे एक सी बन जाएगा, यानी कि यहाँ दो प्लेटें आपस में अलग हो जाएंगी, ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी. ठीक है, जब अलग होगी तो उनके बीच एक सी का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है हमारी डाइवर्जेंट फॉर्म को. ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे धरती पे पानी कहाँ से आया. ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना, तो हमको पता है कि धरती हमारे सूर्य से बनी हुई है, यानी कि सन से बनी हुई, उससे अलग है, उसी का एक पार्ट है. फिर उसमें डीगैसिंग होती है, मतलब डीगैसिंग क्या होती है, अलग अलग फेजेस में अलग अलग गैसें निकलती हैं हमारी धरती के इंटरनल केमिकल रिएक्शन के कारण. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जब हमारी धरती थोड़ी ठंडी होती है, यानी कूलिंग होती है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर आता है जब उस पर आपका पानी बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पे रहे, यानी कि हमारे जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है. ठीक है, यानी कि उससे कम जो टेम्परेचर आया धरती के एनवायरनमेंट का, उस टाइम क्या हुआ, वाटर जो था यानी रेन के फॉर्म में धरती पे आके इकट्ठा होने लगा. ठीक है, तो पहले तो था हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह सेंट्रिक थे, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में मेरे, उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे पैंजिया, और सारी धरती पे सारा पानी इकट्ठा हो गया उसके अगल बगल. ठीक है, उसे क्या बोला गया, पेंथालसा. तो पहले कोई डिफाइंड ओशन या सी तो था नहीं. ठीक है ना,
तो जब पानी रेन से आया और इकट्ठा हुआ तो वहीं एक जगह इकट्ठा हो गया, मतलब उस लैंडमास के चारों ओर, ठीक है, लैंडमास पेंजिया और उसके चारों ओर पानी पेंथालसा, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो हमने पढ़ा, ब्लूम्स उठने लगी, प्लेटों को दूर ले जाने लगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब ये हमारे लिथोस्फेयर बीच बीच से टूट जाएगी, जैसे कि ये दो लिथोस्फेयर थी, ये की ये और एक ये वाली, जब ये अलग अलग चली गई तो उनके बीच जगह बच जाएगी, और जो पानी भरा होगा बारिश वाला वो आके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐसे ही हमारे सीज या ओशन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कई स्टेप्स में बनते हैं, ठीक है, तो उस स्टेप्स को देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो पहला स्टेप होता है अपवार्पिंग, यानी कि फॉल्ट जोन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, प्लूम्स क्या होती हैं, प्लूम्स ऐसा मैग्मा होता है जो अपराइज कर रहा होता है, ठीक है, और कर्विकल फोर्स लगाता है किसी प्लेट पे, जिस वजह से प्लेट हमारी मूव करती है किसी डायरेक्शन में, उसे प्लूम कहते हैं, ठीक है, ऐसे मैग्मा का कलेक्शन। तो प्लूम के कारण क्या होती है, हमारी प्लेटें ऊपर जाती हैं या उनमें डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। तो ये से प्लूम के कारण प्लेटों के मूवमेंट को अपवार्पिंग बोलते हैं। तो पहला स्टेज क्या होता है, जब अपवार्पिंग होती है हमारी धरती के लिथोस्फेयर में, ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारे डाइवर्जेंस के शुरू होने की, दो प्लेटें अलग अलग हो रही होती हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अभी हमने स्टेज में पढ़ा था कि सिर्फ शुरुआत हुई प्लेटों के अलग होने की। अब जैसे कि ये एक प्लेट थी, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसमें से ब्रेकअप शुरू होगा, ठीक है। इस ब्रेकअप के कारण क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये ब्रेकअप लाइन दिख रही है, जिगजैग लाइन दिख रही है, यहाँ पे ब्रेकअप शुरू होगा, यानी कि अगल बगल का जो पानी होगा यहाँ पे वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा हर तरफ से, और एक पतली सी लाइन बन जाएगी। ऐसे ही हमारी रिफ्ट वैलीज बन जाएंगी, यानी कि लिथोस्फेयर जहां से टूटेगा वहां से एक थिन लाइन बन जाएगी और वहां पे हमारी लेक्स बन जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पैंजिया का ब्रेकअप हुआ था कई कई हजार साल पहले या कई लाख साल पहले, जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो हमारे पहले जुड़े हुए थे हमें पता है, फिर उन्हें ब्रेकअप हुआ तो उनके बीच में कौन सा ओशन बन गया, उनके बीच बन गया अटलांटिक ओशन, ठीक है। इधर हमारा चला गया अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और इधर अफ्रीका रह गया, और इनके बीच में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, पता है हमें, क्योंकि ये दोनों पहले आपस में जुड़े हुए थे फिर ये दोनों अलग हुए, ठीक है। और अगर रिसेंट एग्जाम्पल देखें पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अफ्रीका का, इसमें जहाँ पे हमारा हमारा ब्रेकअप हो रहा है प्लेटों का, ठीक है। ये तो ये रीजन है कौन सा, सोमालिया, यहाँ पे सोमालिया के थोड़ा ऊपर रीजन से यह ब्रेकअप शुरू हो रहा है प्लेटों का। तो एक अफार रीजन है नॉर्दर्न इथोपिया में, वहां पे 30 मिलियन साल पहले, यानी कि लगभग 30 मिलियन साल पहले वहां पे प्लेटों का ब्रेकअप शुरू हो गया था। कैसे शुरू हो गया था, ये जो अफ्रीका प्लेट है ये दो भागों में टूट रही है, इस भाग को बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट और इस भाग को बोलते हैं सोमाली प्लेट, ठीक है ना। तो स्टेज टू यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज थ्री में क्या होता है। जब स्टेज थ्री में हमारी प्लेटें टूटने लगती हैं, ठीक है, यानी कि अब प्लेटें टूट चुकी हैं, तो उनमें किसी ना किसी लीनियर सी या रिफ्ट वैली लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेक्स बनेंगी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेकों में से एक होंगी। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, और एक मिनट, तो ये हमारा अरेबियन पेंसुला है पूरा, और ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये पहले आपस में जुड़े हुए थे, फिर क्या हुआ, ये दोनों आपस में अलग हुए, सेपरेट हुए, इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो उनके बीच में क्या जाके पानी भर जाएगा यहां से आके ऐसे, ठीक है। तो इसी पानी भरने के कारण इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा सी बनता है, यहाँ पे रेड सी, लाल सागर, ठीक है। तो ऐसे ही रेड सी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, ओके। तो हम देखें ये जो इलाका है, अभी हमने डिस्कस किया अफ्रीकन प्लेट दो भागों में टूट रही है, ठीक है, ये इधर जा रहे हैं और ये
भाग इधर जा रहा है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, ईस्ट अफ्रीका, और ये पार्ट क्या बोलते हैं, सोमाली प्लेट, ठीक है। डिफाइंड नेम, डिफाइंड नेम, तो ये अलग अलग जा रही है, तो हम देखते हैं भविष्य में इनके बीच कौन से सागर का निर्माण होता है या कौन से लेक का निर्माण होता है। तो अभी भी बहुत सारी लेक्स इसी फॉल्ट लाइन पे पड़ती हैं, ठीक है, जैसे कि लेक टंगाइका, ठीक है, लेक विक्टोरिया, मल्डावी और बहुत सारी लेक्स हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि जब यहाँ पे लेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है, अब ये प्लेटें और दूर जाती चली चली जाएंगी, प्लेटें अगर और दूर चली जा रही हैं और ज्यादा, तो फिर क्या होगा, इसमें पानी और ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, तो फिर ये लेक्स ना होकर ये सी बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ सी शुरू हो जाएगा। तो ये चौथा स्टेज हमारा यही है कि जब वो हमारी और ज्यादा दूर चली जाएंगी प्लेटें, तो क्या होगा, बेसाल्टिक मैग्मा ऊपर आने लगेगा, क्योंकि हमारी लिथोस्फीयर काफी पतली हो चुकी होगी उस समय। देखते हैं, जैसे कि प्लेटें यहाँ पे दूर जा रही होंगी, तो यहाँ का जो लिथोस्फीयर होगी बीच की, ये बिल्कुल कमजोर हो चुकी होगी और बिल्कुल टूटने लगेगी, पानी आगे अगल बगल से यहाँ पे भर रहा होगा और धीरे धीरे वो बड़ा होके एक सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को डिफाइन किया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी द्वारा, ठीक है, यानी कि ऐसे ही अंदर से मैग्मा आके नए सी फ्लोर का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड में सी फ्लोर के बनने और सी फ्लोर के डिस्ट्रॉय होने का जो कंप्लीट कंप्लीट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा, यानी कि जितना आपके नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है उतने ही क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, पता है हमें, और जहाँ डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो जितना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है और उतना ही यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि हमेशा ये बैलेंस रहते हैं, ठीक है। ओके, तो आज हमने पढ़ लिया पूरी थ्योरी थ्योरी कि कितनी 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 लेक्स हैं, कैसी बनती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन लेक्स का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी लेक अफ्रीकन रीजन में है, कौन कौन सी लेक अलग कॉन्टिनेंट्स में है, और उसको पूरा डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।